नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। आप लोग अगर तुष्टीकरण कर रहे हैं तो बीजेपी वाले ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आरोप यही लगता है, लेकिन आपको तुष्टीकरण की जरूरत नहीं। 55 सालों की सरकार रही, 10 साल यूपीए की सरकार रही, उसके बाद भी ये मुस्लिम वर्ग पिछड़ा कैसे छूट गया भाई? गोली मारो सालों को, किसने बोला था? अनुराग ठाकुर, देश के गद्दारों को इतना क्या होना चाहिए बताइए? देश के गद्दारों को गले लगा लो, ये कह रहे हम तो कहेंगे कि मारो गोली, अगर गद्दार है तो गोली मारो उसे, और हमारी सेना मारती है गोली। आपके बीच नहीं बोला मैं, शट अप, जस्ट शट अप। आप तुष्टीकरण करना चाहते हैं? कांग्रेस इस देश में तुष्टीकरण करती आई है, इसमें कोई दोराय नहीं है। शाबानो उसका लाइव एग्जांपल है। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। लोकसभा की कुल 283 सीटों का फैसला बक्से में यानी ईवीएम में कैद हो चुका है और बाकी हैं चार चरणों में 260 सीटों पर वोटिंग अब होनी है, यानी 2024 के फाइनल से पहले क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल का दौर अभी बाकी है। और शायद यही वजह है व्यूअर्स, करीब 22 दिन पहले जो लड़ाई रोजगार, अर्थव्यवस्था और विकास जैसे मुद्दों पर शुरू हुई थी, वो लड़ाई अब खुलकर मुस्लिम आरक्षण, राम मंदिर, धर्म भेद, यहां तक कि रंग भेद के इर्द गिर्द घूमने लगी है। जहां लालू प्रसाद यादव खुलकर कह रहे हैं कि मुस्लिमों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान पर सफाई जरूर दी। ओवैसी चुनावी मंच से बाबरी मस्जिद के जिंदाबाद होने के नारे लगा रहे हैं तो राहुल गांधी के अंकल सैम यानी सैम पित्रोदा, सत्यनारायण गंगाधर पित्रोदा भारत में चीन अफ्रीका तलाश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी पर राम मंदिर के खिलाफ शाहबानो स्टाइल में साजिश रचने का आरोप भी कांग्रेस के ही एक पूर्व नेता लगा रहे हैं। तीन चरणों में यह सब कुछ हो रहा है, चौथा चरण आते आते बीजेपी की नवनीत राणा ने ओवैसी भाइयों के गढ़ में उन्हीं के स्टाइल में 15 सेकंड वाली चुनौती दे डाली है और अब आबादी वाली वो लिस्ट भी आ गई है जिसमें दावा है कि 65 सालों में भारत में बहुसंख्यक यानी हिंदू घट गए हैं और मुसलमान बढ़ गए हैं। इस बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा है कि राहुल गांधी की नानी भी अब CAA को वापस नहीं ले सकती। यानी इस हफ्ते चुनाव का भरपूर मसाला आपको देखने को मिला है, क्योंकि चुनाव यह बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया है, क्योंकि वार भी हो रहा है, पलटवार भी हो रहा है और हर चीज बहुत तीखी हो रही है। लेकिन आज इन तमाम मुद्दों पर यह देश है हमारा में मेरे युवा मित्रों के बीच, जनता जनार्दन के बीच होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। अभिनंदन है आपका। तीन चरणों के बाद लोकसभा चुनाव ध्रुवीकरण वर्सेस तुष्टीकरण की धुरी पर घूम रहा है। इस कड़ी में संपत्ति छीनने और मुस्लिम आरक्षण की बात अब आरोपों से आगे बढ़ चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन आशंकाओं को व्यक्त कर रहे थे वो अब पूरी तरीके से सच साबित होती दिख रही हैं। राम मंदिर को लेकर भी लगातार बयानबाजी हो रही है, दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में कि अगर हमारी सरकार बनती है, सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। People on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like white, and people in south look like Africa. So that idea of India is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and. बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है।
और कांग्रेस पार्टी की सरकार जो इंडिया गाड़ी की सरकार आई तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। अब विवाद में नया ट्विस्ट अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने जोड़ दिया। नवनीत राणा ने ओवैसी के गण में खड़े होकर उन्हें चुनौती दे दी। 15 सेकंड अगर पुलिस वाला आया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। छोटे को बहुत रोक के रखा हो, अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मजा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो तो भाई वो इसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। इस बीच प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में 1950 से 2015 तक धार्मिक बहुसंख्यक आबादी में 7.81% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि इसी दौरान मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है। आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते। ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना, ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही है किसने भेजा उन्हें। सवाल है कि क्या 2024 के चुनाव में बाकी का रण अब इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द होगा। आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। ध्रुवीकरण या तुष्टीकरण और आज की बहस के मुद्दे क्या हैं? राम मंदिर, मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दों पर बीजेपी ने क्या विपक्ष को फंसा दिया है? आज की डिबेट का पहला मुद्दा यह है। दूसरा मुद्दा है पीएम मोदी ने विपक्ष को अपनी पिच पर आने पर मजबूर कर दिया है। और तीसरी बात, क्या बीजेपी तुष्टीकरण के खिलाफ ध्रुवीकरण की नीति अपना रही है? क्योंकि एक तरफ अगर सपा, कांग्रेस, ओवैसी, लेफ्ट, आरजेडी तुष्टीकरण कर रहे हैं तो क्या बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है? यह भी आरोप है। आज इन तीन बड़े मुद्दों पर होगी देश की सबसे प्रमाणिक और बड़ी चर्चा। आइए मेहमानों के साथ आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले मेरे युवा मित्रों के लिए जोरदार तालियां, इस देश की जनता जनार्दन के लिए जोरदार तालियां जो हर बार वोट देती है और चुन के लाती है। गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। कंचना यादव आरजेडी पार्टी की नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मौजूद है सत्य प्रकाश मिश्रा, जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। और विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। इंडिया अलायंस के घटक दल है, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा के अंदर, इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और मैं सीधा आता हूं कंचना यादव आपके पास। क्या आपको लगता है कि आप लोग अगर तुष्टीकरण कर रहे हैं तो बीजेपी वाले ध्रुवीकरण कर रहे हैं? आरोप यही लगता है, लेकिन आपको तुष्टीकरण की जरूरत क्यों है? 50 सेकंड। देखिए अमित जी, हमारे बीच में युवा बैठे हैं, सबसे पहले मैं इनकी बात करूंगी। यूथ हमारे देश में पता है कितने हैं? 35 करोड़ लगभग, मतलब टोटल जनसंख्या का 27-28% यूथ हैं और मुसलमान कितने हैं? 20%, 20 करोड़, और परसेंटेज में 14%। यानी हमारे देश में यूथ की संख्या, नौजवानों की संख्या मुसलमानों से ज़्यादा है। लेकिन क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैलियों में मुसलमानों के अलावा यूथ की बात सुनी? क्या आपने रोजगार की बात सुनी, सरकारी नौकरी की बात सुनी, पेपर लीक जैसे मुद्दे पर क्या आपने बात सुनी? तो ये कौन कर रहा है? और रही बात तुष्टीकरण की, जो आरक्षण की बात हो रही है मुसलमानों की, मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल पर अमित जी कि ये टीडीपी जब आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो टीडीपी के मैनिफेस्टो में मुस्लिमों को आरक्षण 4% देने की बात की गई है। उसमें यहाँ पर गौरव भाटिया जी अलायंस किए हैं असेंबली इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, वहां उनको नहीं दिखता, लेकिन नॉर्थ बेल्ट में आते लेकिन, लेकिन मैडम 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 इसका जवाब आप आगे दीजिएगा। लालू जी ने तो मुस्लिम आरक्षण की बात करी ना, लालू जी नहीं करी ना, किसी और ने तो नहीं करी। मैं आऊंगा इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन गौरव भाटिया मैं आपके पास आता हूं। गौरव भाटिया, विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा बीजेपी को सूट नहीं करता या फिर आपका एजेंडा वो है ही नहीं? आपको ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण में मजा आता है पॉलिटिकली? देखिए, ये गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी हर सभा में, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने हर सभा में पहले ये बताया है कि 10 साल क्या किया है। 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। पेपर लीक की बात कर रहे हैं, मैडम को यह भी नहीं पता है कि पेपर लीक अगर होगा, सख्त कानून लाए हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन मैं आपसे एक बड़ी बात बताता हूं, एक व्यक्ति अभी मुझे ऐसा लगा मानसिक संतुलन उसका बिगड़ गया, चिल्ला रहा था बाबरी मस्जिद जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। तो मुझे गुस्सा पहले आया, उसके बाद पता क्या हुआ, मुझे लगा उसको दर्द हुआ है,
उसको बोलने दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय में उसकी आस्था नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे। और मैं इधर अगर बात करूं, सवाल जरूर पूछिएगा, राम गोपाल यादव इनके चीफ जनरल सेक्रेटरी है, क्या कह रहे थे मालूम है? भव्य राम मंदिर का नक्शा थोड़ा खराब है। अरे नक्शा नहीं खराब है, जहां प्रभु राम आ गए तो नक्शे की क्या मजाल है, वो मंदिर पावन है, पवित्र है, हमारी आस्था का केंद्र है। लेकिन इनके दिमाग का संतुलन खराब है, इनकी नीयत खराब है, ये बात आप जान लीजिए। दूसरी बात मैं बताता हूं। जी जी जी। एक चीज और हमें समझनी चाहिए, चारा घोटाला, भैंसों का चारा नहीं छोड़ा इन लोगों ने, ये हमारे युवाओं के लिए कुछ छोड़ेंगे? अरे परिवारवाद की जननी मेरे भाई, और बीच में नहीं, बीच में ना बोले मेरी बहन, सबसे ज्यादा नहीं बोला इसका मास तक हुआ चंदा चोरी का, और आप लोग ताली बजा रहे हैं एक बार चंदा चोरी पर भी मैंने तो अपनी बहन को पूरा सम्मान दे दिया। 20 सेकंड दे राजकुमार भाटी जी। देखिए आज की जनता जो पूछ रही है, जो प्रधानमंत्री जी मुद्दा उठा रहे हैं, बाएं देखो परिवारवाद, दाएं देखो परिवारवाद, और मैं बताता हूं क्यों। दोनों पार्टियों का जब से गठन हुआ है, मेरे युवा भाई बहन ये पूछ रहे हैं, यादव परिवार के बाहर का तुम अध्यक्ष नहीं बना पाए, तुम युवाओं को क्या दोगे, उनकी जेब से रुपया निकाल लोगे? ओके 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 ओके। राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है कि राजनीति में सबको अपने ढंग से पॉलिटिक्स करने का हक है? भारत में लोकतंत्र है तो सबको अपने बयान देने का हक है, लेकिन आज का सवाल जो है वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। विपक्ष को तुष्टीकरण सूट करता है और बीजेपी को ध्रुवीकरण सूट करता है, दोनों अपने हिसाब से बयान देते हैं। आपके भी और बीजेपी प्रवक्ता के भी दोनों के सवालों का जवाब मिल जाएगा अगर आप मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी का और इनके नेता माननीय मोदी जी का दोनों का भाषण अगर सुन लें। जब वो रैली में बोलते हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है, दोनों के सारे भाषण यूट्यूब पे मौजूद हैं, कोई भी जाके यूट्यूब पे सुन सकता है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी लगातार रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं जी, लगातार महंगाई भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, जो पिछड़े वर्गों को आरक्षण में लूट हुई है उनके साथ, उनको न्याय का मुद्दा उठा रहे हैं, किसान की MSP की गारंटी का मुद्दा उठा रहे हैं जी, बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, देश के और प्रदेश के विकास का मुद्दा उठा रहे हैं। माननीय मोदी जी अपने भाषणों में क्या कह रहे हैं, ये अगर आपके पास चार भैंस हैं तो भैंस छीन ले जाएंगे, मंगलसूत्र उतरवा लेंगे, जो अगर आपका चार कमरे का मकान है दो कमरे छीन लेंगे। अब तो बस ये कहना बाकी हो गया कि जिसके पास चार बच्चे हैं दो बच्चे कांग्रेस छीन ले जाएगी। मतलब मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा है जो इस तरह की उलझुल बातें कर रहे हैं, या मानसिक संतुलन उस नेता का बिगड़ा है, उस पार्टी का बिगड़ा है जो जनता के आवाम के मुद्दे उठा रहा है? लेकिन नक्शा किसका बिगड़ा है? अगर अमीश जी जी, अगर इस देश की सारी राजनीतिक पार्टियां जनता के असली मुद्दों पर वोट मांगने लगे तो यह देश बहुत सुंदर देश बन जाएगा। और अगर इस देश को भटकाने का प्रयास किया जाएगा, हिंदुओं को मुसलमानों से डराया जाएगा, सिखों को जैनों से डराया जाएगा, दलित को ब्राह्मण से डराया जाएगा, तो ये देश की इसका नक्शा बिगड़ के चला जाएगा। अभी जो उत्तर ठीक है, इस देश का नक्शा बिगड़ जाएगा। एक सेकंड, पहले एनडीए के दूसरे पार्टनर आ जाए। सर तो नक्शा कौन बिगाड़ रहा है देश का? अभी तक तो रामगोपाल जी ने बोला मंदिर का नक्शा ठीक नहीं है इसलिए मंदिर बेकार है। अब मैं पूछ रहा हूं, यो कह रहे कि आप तो एनडीए जो है वो देश का नक्शा ही खराब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो छोटी मोटी कांग्रेस के सहयोगी पार्टियां हैं, ये कांग्रेस के तुष्टीकरण की सदस्य हैं। हम बिल्कुल सबका साथ सबके विकास में यकीन करने वाले एनडीए हैं, सामाजिक न्याय के साथ विकास करने वाला एनडीए है। अगर इस देश में किसी खास वर्ग को अगर आप टारगेट करके उसकी बात को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा करेंगे तो आप किसी न किसी का वोट मांग रहे हैं, तो एनडीए जवाब देगा उस पर। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अगर आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण दिया तो क्या अल्पसंख्यक वर्ग उसका सदस्य नहीं बना? अगर स्वच्छता अभियान शुरू हुआ, यदि जो जितनी तरह की योजना है, क्या अल्पसंख्यकों को उसका लाभ नहीं मिला? मेरा प्रश्न यह है कि मैं ये मानता हूं कि ये समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों का भी कल्याण नहीं करती, क्योंकि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट, कांग्रेस 10 साल उस रिपोर्ट पर बैठी रही, बताया कि मुस्लिम वर्ग बहुत पिछड़ा है। तो ये 55 सालों की सरकार रही, 10 साल UPA की सरकार रही, उसके बाद भी ये मुस्लिम वर्ग पिछड़ा कैसे छूट गया भाई? उस रिपोर्ट पर क्यों बैठे रहे? लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने और नीतीश कुमार जी की सरकार ने बिहार में और यहां पूरे देश में तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण और सबके साथ सबके विकास, संतुष्टीकरण की बात करते हैं, राजनीति का। ओके, मैं विवेक जी, संतुष्टीकरण की बात कर रही है एनडीए, बीजेपी कह रही है कि हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं, लेकिन
इंडिया अलायंस के तुष्टिकरण में यकीन रखता है, और क्या अगर इंडिया अलायंस का शासन आएगा तो मुस्लिम आरक्षण को हाँ कह देगा? जी, अब देखिए हम शुरुआत करते हैं। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, आपने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा कि भाई आप डेवलपमेंट की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, जॉब्स की बात नहीं करते, आप तो ध्रुवीकरण की बात करते हैं। तो हमारे प्रवक्ता मित्र जो भाजपा से आए हैं, गौरव भाटिया जी, उन्होंने बोला नहीं, हमारी तो हर स्पीच में साहब हम तो पहले डेवलपमेंट की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, आप ही नहीं दिखाते हैं अमीश जी, आप ही दिखाते हैं कि ध्रुवीकरण करते हैं, ये तो करते हैं डेवलपमेंट की बात, ऐसा कह रहे हैं। चाइना का टीवी छोड़िए, भारत के चैनल देखना शुरू करिए। मैं तो वो कह रहा हूँ, यानी कि जब उत्तर नहीं है, जब उत्तर नहीं है और एंकर ने और चैनल ने पकड़ा और पूछा सवाल कि डेवलपमेंट पे क्यों नहीं लाते हो, तो उल्टा मीडिया के ऊपर ही उन्होंने उंगली उठाई, पहली बात। दूसरी बात पे आते हैं, परिवारवाद। भूषण शरण सिंह कौन है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसको टिकट मिला है, उनके सुपुत्र को मिला है, यानी कि बाप और बेटा या परिवार हुआ या नहीं, क्या क्वालिफिकेशन है ब्रजभूषण शरण सिंह जी की, बाहुबली हैं, एक बहुत अच्छा जमावड़ा इकट्ठा हुआ था उन लड़कियों का जो रेसलिंग करती थी, पीड़ित थी, जंतर मंतर पे हम भी गए थे, उनके बेटे को दिया गया, ये परिवारवाद है या नहीं है? कौन है वसुंधरा राजे के बेटे, क्या उनको टिकट मिला है कि नहीं मिला? 50 गिना दूंगा नाम आपको भाजपा के उन कैंडिडेट्स के जिनका परिवारवाद की वजह से उनको टिकट मिला है। जी जी, तो ये सिंगल आउट मत करिए। लेकिन गौरव भाटिया, जो बात विवेक जी को कई बातों से बहुत तकलीफ है, मैं उत्तर दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे सभा के प्रवक्ता ने एक बात कही कि अखिलेश यादव का भाषण आपने सुना नहीं, और मैं आपको बताऊं कि वो सुनने लायक कुछ बोलते तो नहीं है, लेकिन मजबूरन हमें सुनना पड़ता है क्योंकि डिबेट में आना होता है। तो मैंने उनका वक्तव्य सुना, और गलत हूं तो मेरे साथी हैं, मुझे तुरंत कहे गौरव भाटिया गलत बोल रहे हो। उन्होंने जब इनकी नेत्री ने कहा कि वोट जिहाद कर डालो, तो अखिलेश यादव के सामने अमित देवगन जैसा एक पत्रकार गया, उसने कहा ये क्या है, कह रहे जोश में बोल दिया होगा। अब बताओ, जोश में वोट जिहाद कर रहे हैं, अगर भारत के हिंदू जो बहुसंख्यक हैं इस तरह की मानसिकता रख ले तो सूपड़ा साफ हो जाएगा, एक सीट नहीं आएगी, याद रखना। दूसरी बात, 10 साल सपा और बसपा की सरकार रही मेरे भाई और बहनों, इन्होंने दी 5 लाख सरकारी नौकरी, योगी आदित्यनाथ जी ने 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी दी, और मैं फिर से कहूंगा विरासत में गद्दी मिल सकती है, अखिलेश यादव को मिली थी, बुद्धि नहीं मिल सकती है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है गौरव, एक मिनट जी। इसीलिए दोबारा 2022 में जनता ने मुहर लगाई, योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया। अब लेफ्ट पे आते हैं, एक मिनट लूंगा बस, अपना मैनिफेस्टो पढ़ लें। पुंछ में आतंकवादी हमला हुआ, कांग्रेस ने बोला ये स्टंट हुआ है, मोदी जी ने जवानों को मरवा दिया है। इसी तरह से रामगोपाल यादव ने जब हमला हुआ था इससे पहले पुलवामा, कहा था कि ये चुनाव के मद्देनजर हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग सहमत है, हाथ उठवाइएगा। ये कहते हैं भारत के न्यूक्लियर वेपन्स खत्म करेंगे और पाकिस्तान से कोई बात सहमत करेंगे नहीं होगा उस बात, और चीन से इलू इलू करना चाहते हैं। अरे हम कहते हैं घुस के ठोकेंगे, ये कहते हैं इलू इलू करेंगे। कौन वोट करेगा भाई, कौन वोट करेगा इनके लिए? क्या अखिलेश जी ने जब वोट जिहाद के बारे में उनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने बोला कि वोट बढ़ाने की अपील थी, वोट जिहाद वोट बढ़ाने की अपील थी, और रामगोपाल यादव साहब ने मंदिर के नक्शे के बारे में बोला ये तुष्टिकरण ही तो है। राजकुमार अभी अभी हमने बतौलेबाजी का एक बहुत बड़ा उदाहरण देखा अभी थोड़ी देर पहले। बतौलेबाजी क्या होती है, शुरुआत की हमने अखिलेश यादव का भाषण सुना है, लेकिन अखिलेश यादव के भाषण की एक लाइन नहीं बोली, बोली तो अगर ये गलत है फैक्ट चेक करिए। ये भाषण की लाइन में नहीं बोले, फैक्ट चेक करिए, ये भाषण की लाइन थी। आपने 2.5 मिनट बोला, आप इनको 1 मिनट सुनेंगे? मिस्टर बटोले को बताइए तो कि उन्हीं का वक्तव्य बता रहा हूं, उन्होंने जोश में बोल दिया वोट जी। अलाउ हिम टू रिस्पोंड। हां तो बटोले जी को पता नहीं है। अच्छा, मेरा निवेदन है, कोई टिप्पणी करेंगे मैं इनको याद दिलाऊंगा। अच्छा, एक मिनट ये बोले, फिर उसके बाद आप बोलिए ध्रुवीकरण पे और तुष्टिकरण के आपकी पार्टी कर रही है, हाँ या ना? जब लालू यादव कहते हैं मुसलमानों का रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, तो आप उससे सहमत है? नहीं, वैसे तो तुष्टिकरण कोई नेगेटिव शब्द नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूँ तुष्टिकरण जिहाद भी नेगेटिव शब्द नहीं है आपके अनुसार? जिहाद भी नेगेटिव शब्द नहीं है, जिहाद नेगेटिव शब्द नहीं। देखो सुनिए, आप हिंदी उर्दू शब्द को उठा के उसका अर्थ ढूंढिए। जिहाद कहते हैं न्याय युद्ध को, न्याय के लिए लड़ना, न्याय। अगर कोई, अब देखिए ये भाषा का अंतर होता है, हम हिंदी भाषी हैं, हम कहेंगे, हम चुनाव में कहेंगे भाइयों ये न्याय युद्ध है, अब जो उर्दू भाषी है वो कहेंगे जिहाद है, गलत कह रहे हैं, केवल इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं। गलत बोल रहे हैं आप। आप हिंदी के मैं यही कहूंगा फिर से, तुम करो वोट जिहाद, जनता कर देगी तुमको बर्बाद। 4 जून आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा।
दूसरी बात, इन्होंने कानून व्यवस्था की करी। इनके समय में यह होता था, हाथ में गुम्बे दिए जाते थे, पुस्तक नहीं, चाहे कश्मीर हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। अब गुम्बे नहीं होते हैं, वहां पे पत्थरबाजी नहीं होती है, वहां पे पुस्तक और कंप्यूटर होता है। और आंकड़े ये कहते हैं, आंकड़े एनसीआरबी के हैं, इनके समय में जब सरकार थी 2016 में 4816 रेप की वारदातें हुई, ये कम होके 3690 हो गई 2022 का जो आखिरी आंकड़ा है। ऑडियंस के पास जाता हूं, तुष्टिकरण, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी जी, क्या नाम है आपका? हाय सर, मेरा नाम तुषार है, तुषार कुमार। मेरा सवाल इनसे है, मैं दो सवाल है, मैं आसाम से हूँ तो क्या मैं चाइनीज हूँ? और दूसरा सवाल ये है कि आप माफी टेलीविजन में मांगेंगे या आसाम जाके मांगेंगे? जी, ये सवाल है। और नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया आपके साथ हुआ जो जो एक नहीं नहीं लेकिन 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 ये बड़ा सीरियस मैटर है। और मैं आपको बोलता हूँ कि हिंदुस्तानी होने के नाते कि हम सब आप हिंदुस्तानी होने के नाते कि हम वाकई जो बात सैम पित्रोदा कांग्रेस के नेता ने करी वो वाकई शर्मनाक है। मतलब वो देश को गाली है, इसमें कोई दोराई नहीं है। और उसके लिए कांग्रेस क्या, मुझे लगता है कि उसके लिए तो राहुल गांधी को स्वयं आकर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो सामान्य बात नहीं थी। विवेक जी, क्या आपको लगता है कि ये रंग भेदी टिप्पणी इंडिया अलायंस को इस बार 2024 के चुनाव में बहुत नुकसान पहुंचाएगी? बिल्कुल नहीं पहुंचाएगी। बिल्कुल नहीं पहुंचाएगी, नहीं पहुंचाएगी। मैं सुन लीजिए, फिर पूरी बात को सुनिए। पहली चीज, सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। दूसरी चीज, कांग्रेस के जयराम रमेश ने ऑफिशियली आकर के बोला कांग्रेस डिसोन्स दिस रिमार्क। इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने भी इससे किनारा किया, क्योंकि उन्होंने जिन शब्दों का चयन किया था वो सही नहीं थे। लेकिन दूसरी बात भी है कि हम एक मल्टी रेशियल कंट्री हैं, यहाँ नॉर्थ ईस्ट भी है, यहाँ यूपी भी है, यहाँ पंजाबी भी है, यहाँ सिख भी है, यहाँ साउथ इंडियंस भी हैं, सब तरह का खान पान है, पहनावा है, रंग है। सुनिए, हम सारे हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हम मल्टी रेशियल हैं और मल्टी रेशियल डाइवर्स होना हमारी ताकत है। आरएसएस का एजेंडा कि एक ही रेस ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, कब बोला जिसमें बिलीव कर, इनका एजेंडा है, ये आरएसएस का एजेंडा। ओके ओके ओके, विवेक सत्यप्रकाश मिश्रा, और फिर मैं आप फिर वापस आता हूं आपको जी। कंचना यादव भी वेट कर रही है। जो भी इन्होंने कहा कि मल्टी डाइवर्सिटी सोसाइटी हमारी ताकत, बिल्कुल ताकत है, लेकिन उस ताकत पे बीच बीच में आके चिंगारी भड़का देते हैं ना, उनको बेइज्जत करते हैं, उनका अपमान करते हैं। जो उन्होंने कहा है सैम पित्रोदा ने, ठीक है, कांग्रेस ने डिजोन किया, माफी तो मांगनी चाहिए थी, माफी क्यों नहीं मांगा? ये कहते रहते कांग्रेस के समर्थन में, ये बहुत बोलते हैं, कांग्रेस का कोई प्रवक्ता तो दिखता नहीं। इनसे एक सवाल पूछिए, वायनाड में एनी राजा जीत रही है राहुल गांधी से कि हार रही है? पुराना सवाल है, नहीं ये सवाल जानना जरूरी है आपसे। अरे वहां लड़ रहे हैं राहुल गांधी से, बार बार पूछेंगे, एनी राजा को रिजल्ट आने दीजिए। नहीं नहीं, आप बताइए ना, राहुल, क्योंकि इनकी पार्टी वहाँ राहुल गांधी के खिलाफ एनी राजा, जो कि बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट, 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक रोड मैप दिया था रोजगार के लिए। रोड मैप में बोला था प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां प्रदान करी जाएंगी जो हमारे यूथ है उनको। 10 साल हो गए, 20 करोड़ बनती है नौकरियां। तो क्या इस बार युवा ने मोदी जी पर भरोसा किया होगा? क्या इस बार वो रोजगार देंगे युवाओं को? गौरव, 18 करोड़ ईपीएफओ नए अकाउंट खुले। ईपीएफओ नए अकाउंट तभी खुलेगा जब एक नई नौकरी लगेगी, 18 करोड़। दूसरा, 45 करोड़ मुद्रा योजना में लोन दिए गए हैं, रोजगार के अवसर पैदा हुए। तीसरा, हमने कहा हम रोजगार मेला लगाएंगे, एक साल पहले की बात है, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, वो हमने दी एक साल में, ये पिछले एक साल की मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या दर्शाता है? हम रोजगार की भी बात करेंगे और हम भारत को भी मजबूत करेंगे। और ये मान के चलिए पुलवामा हुआ तो इन लोगों ने तंज किया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी और घुस के ठोका तो हमारी वीर सेना ने, क्योंकि मोदी रोजगार से पाकिस्तान कैसे पहुंच गए? रोजगार पे बात करिए ना, अभी रोजगार पे बात करिए, रोजगार पाकिस्तान चला पाकिस्तान अमीर जी, कुछ देर में चीन पहुंच जाएंगे, अभी एक मिनट, फिर मुझको देशद्रोही बोल देंगे। ये रोजगार पे बात करिए ना, बोलेंगे ये लोग रोजगार के बारे में जानना चाहते हैं, रोजगार के बारे में बात करिए। क्या प्लान है आपका? सुनना चाहते हैं? जी जी, हम बिल्कुल सुनना चाहते हैं। सुनिए जी जी जी, पहले मैंने बताया 10 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी बसपा और सपा के समय में,
हमने पांच लाख रोजगार की समस्या बीच में मत बोलिए। अब आप बीच में आप ढाई मिनट बोला सर, तो आपने अभी क्या आपको रोजगार आपको इस देश में रोजगार समस्या नहीं दिख रही? आपको आपको रोजगार के तीन आंकड़े दिए क्या दिए बताइए? इस देश में रोजगार समस्या नहीं दिख रही? मैंने तीन आंकड़े दिए केंद्र सरकार के, उसके लिए आपको आउटगोइंग बंद करनी पड़ेगी और इनकमिंग ऑन। नहीं मेरी तो मैंने तो नहीं इनकमिंग मेरी तो इनकमिंग ऑन है, आपको भी इनकमिंग ऑन करनी पड़ेगी। उत्तर जाता हूँ लेना अगर आप सुने। बोलिए बोलिए प्लीज। रोजगार समस्या नहीं है, लेकिन रोजगार सबके पास होना चाहिए और यह सबसे बड़ी बात है। जितने सर्वे हुए हैं आज का युवा यह कहता है कि रोजगार कौन देगा, वो व्यक्ति मोदी जी है, क्योंकि यह विश्वसनीयता है। और चार आंकड़े आपके सामने पेश किए मैंने, तीन केंद्र सरकार के, एक उत्तर प्रदेश सरकार का, आप इनसे पूछिए ये सत्ता में रहे चार बार सरकार कितने नौकरी दी, इन्होंने कितनी नौकरी दी, क्या आपको लगता है कितनी नौकरी दी, पूछिए एक बार। देखिए रोजगार रोजगार एक विषय है, लेकिन हमने एक सर्वे कराया था, उसमें हमने बोला रोजगार एक विषय है, समस्या है। रोजगार ये युवा खुद भरोसा भी लोगों को यही है कि नरेंद्र मोदी रोजगार दे सकते हैं, उस सर्वे के ये रिजल्ट आए। पॉइंट मेरा पॉइंट ये है, क्या आपको लगता है जब आप आरक्षण पे सवाल उठाते हैं, जब आप धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, ये बीजेपी के नैरेटिव को मदद करता है? देखिए अमीश जी, आप तो चलाते हैं न्यूज, आपको मालूम होगा कि बिहार में 17 महीने की हमारी सरकार बनी, नीतीश कुमार जी मुखिया थे सरकार के, उस 17 महीने में हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी। आप कहेंगे क्रेडिट ले रहे हैं, सर आप भी ले लीजिए, लेकिन तभी मिला जब हम आए साथ में, और उसके बाद क्या हुआ, जब ये चले गए फिर से इनके साथ पेपर ही लीक हो गया भैया, तीसरे पेज का जब टीचर भर्ती हो रहा था। वोट जिहाद पर भी थोड़ा सा मैं बता दूं, ये वोट जिहाद बोल रहे हैं गोली मारो सालों को, किसने बोला था? अनुराग ठाकुर। देश के गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए बताइए? देश के गद्दारों को गले लगा लो, ये कह रहे हम तो कहेंगे कि मारो गोली, अगर गद्दार है तो गोली मारो उसे, और हमारी सेना मारती है गोली, इसीलिए हमें गर्व है। क्या आप गले लगाइए गद्दारों को, क्या बेकार की बातें करते हैं यहाँ पे आके? है देश के गद्दार जो है आतंकवादी गद्दार है, माओवादी गद्दार है, क्या क्या चाहते हैं? बेकार की बातें कर रही है, बताइए। अरे भैंस को ताली बजाइएगा, भैंस को चारा खा गया उसका, लालू प्रसाद यादव से कहिए भैंस का चारा लौटाए पहले, बेकार की बातें कर रही है। प्रज्वल रेवन्ना जो 3000 महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करता है, उसके लिए प्रधानमंत्री खाली मेरी बहनों लालू प्रसाद यादव को बयान आया, बोलिए संदेश खाली पे नहीं बोलेगी। हाँ ऐसी बात कर रही है, हाँ आपका मतलब आप देखिए यही होगा आगे चल के। मैं भी बैठ जाऊँ, वो भी आ रहे हैं, वो भी बैठा दी, ये गलत है, है? संदेश खाली की बहने बहने नहीं है, नहीं हमें नहीं, हम तो यही खाए, अरे आप यही नहीं, हमें अरे नहीं 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 ये मेरा मेरा निवेदन है। देखिए आप लोग एक सेकंड, मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने सब सीट पे जाइए, आपने विरोध जी हमारा निवेदन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपने अपनी बात को रखा ढाई मिनट, उसके बाद वो बोले, आप अपनी बात को 30 सेकंड रख लीजिए, ओके। हमारे कुछ नेता, मतलब महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता LOP हैं, वो कहते हैं कि हेमंत करकरे साहब को जो शहीद हुए, उनको गोली पाकिस्तान के कसाब ने नहीं मारी, उनको गोली RSS की पुलिस ने मारी। ये सब मुद्दों को क्यों लाना है? देखिए मैं जो मुद्दा मैं जिस पर बात कर रही थी, महिला सशक्तिकरण पर, आपने ट्विस्ट कर दिया, कोई बात नहीं मैं महिला सशक्तिकरण पर बोलूंगी। प्रज्वल रेवन्ना, प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं, इसको वोट दो मैं मजबूत होऊंगा, एक रेपिस्ट के लिए वोट मांगते हैं ये? अभी बहन ने बताया कि ITBHO में क्या हुआ, इनके 3 पदाधिकारी बलात्कार करते हैं और 2 महीने तक फ्री घूमते हैं, जब तक मध्य प्रदेश में नहीं हो जाता है, ये महिला की रक्षा करेंगे? कानपुर में हुआ, हाथरस में हुआ, रातों रात एक बच्ची जला दी गई, और ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, महिलाओं का नाम भी नहीं लेना चाहिए इन्हें, इतना घिनौनी हरकत करते हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा, सत्यप्रकाश जी, इस देश में किसी भी हिस्से में किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का जुर्म होता है, उसके खिलाफ सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। बहुत अच्छा कंचना जी ने, मैं कंचना, रुक जाइए आप, बीच का तरीका, ये तरीका ठीक नहीं, अभी ये क्या तरीका आपका, बार बार तरीका क्या आपका, नहीं आपसे बोला, आपके बीच में बोला था मैंने, नहीं आप नहीं, क्या ये तरीका है, आपके बीच नहीं बोला मैं, शट अप, जस्ट शट अप, जस्ट शट अप, आप मर्यादित, किसी के बीच नहीं बोलता, मुझे बोलने दीजिए, आप प्रेम से आगे पूछेगा, मैं बता रहा हूँ, मैं आप प्रेम से बातें पूछेगा, मैं बता रहा हूँ, अगर पहलवानों के साथ गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट उस पर जांच कर रहा है, FIR दर्ज हुआ है,
राजबल्लभ यादव जो बिहार में क्रेपिस्ट था, कंचन जी नहीं बोलेंगी उस पर, संदेश खाली पे नहीं बोलेंगी, ये तरीका ठीक नहीं। सब पर बोलिए, महिलाओं के खिलाफ हुआ हर जुर्म गलत है तो गलत है, ये ठीक नहीं है। महिलाओं को अगर 33% आरक्षण मिला तो मिला, बोलिए ना मुलायम जी के खिलाफ विवेक जी कि मुलायम जी का ये कहना गलत था कि लड़के हैं गलती हो जाती है, क्यों नहीं बोलते? अगर हम बोलेंगे, अगर आपको ये सरकार खराब लगती है, हमारी पार्टी हमेशा गठबंधन छोड़ो, इधर आओ, हमेशा इधर आओ, बिल्कुल गलत था। एक तो साथ में रहते हो, देश के आर्थिक नीतियों का विरोध करते हैं, आप एक एक के साथ आप विरोध करते हैं, लेकिन 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 अभी अभी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, अभी 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 कांग्रेस अभी कांग्रेस कांग्रेस के छत्तीसगढ़ दफ्तर के अंदर एक कांग्रेस की नेत्री राधिका खेड़ा के साथ क्या हुआ है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ है? कमरा बंद कर दिया गया, तीन लड़कों ने उनको पकड़ लिया, मतलब जिसे क्या आप कह सकते हैं कि इससे घिनौनी बात नहीं हो सकती थी, जिसका खुलासा हुआ, जिसका वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद उसका खुलासा हुआ। लेकिन लेकिन मैं विषय पर आता हूं, विषय विषय जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट आई है इस हफ्ते जिसमें कहा गया है कि हिंदुओं की आबादी कम हुई है और मुसलमानों की आबादी जो है वो बड़ी है। उसमें जहां मुस्लिम आबादी बड़ी है उसमें पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, आंध्र है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, बिहार है, झारखंड है। क्या आपको लगता है, और बीजेपी कह रही है कि यह कांग्रेस का तुष्टिकरण है? देखिए बिल्कुल तुष्टि, अब आबादी बढ़ाने का काम भी कांग्रेस कर रही है। मैं तुष्टि आपको वजह बताता हूं, तीन कारण है, इन्होंने तो रिपोर्ट देखी है नहीं, मुझे नहीं पता, मैं आपको बता दूं। पहली बात, जब घुसपैठिए आए, हम लोग कहते हैं घुसपैठिए घुस नहीं सकते, जो कांग्रेस के समय में घुसे उन्हें भी बाहर फेंकेंगे, तो ये रोहिंग्या प्रेम में दीवाने हो जाते हैं। जब उनके धर्म के आधार पर उनको वोट बैंक समझोगे और उनको आप वोटर आईडी दोगे, आधार कार्ड दोगे, तो ये बिल्कुल समस्या है, क्योंकि वो हक किसका मार रहे हैं, भारतीयों का। दूसरी बात, ये कहते हैं बच्चे कहां से आए, बच्चे तो भैया ऊपर वाले ने दिए, लेकिन नौकरी मोदी देगा, क्योंकि कहते हैं जनसंख्या बढ़ाओ, ऐसा होता नहीं है। जब आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करेंगे तो जो तुष्टिकरण करती हैं यही पार्टियां उसका विरोध करती है। तीसरी बात, धर्म परिवर्तन का, हम सब जानते हैं किस तरह से धर्म परिवर्तन होता है, और जो कुरीतियां हैं, चाहे वो बहु विवाह हो, चाहे वो हलाला हो, चाहे वो धर्म परिवर्तन हो, अगर हम कोई भी कार्य उस पर करते हैं देश हित में, तो सबसे पहले ये कहते ओ मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे भैया रोहिंग्या से तुम्हारा क्या रिश्ता है ये बताओ। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब हिंदू हटा तो देश बटा, और हिंदू बहुसंख्यक है, अगर वो कम हुआ है तो ये चिंता का विषय है, पॉपुलेशन कंट्रोल का विषय है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन 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 देखिए, एक रिपोर्ट आई है, ये बीजेपी ने तो रिपोर्ट तैयार नहीं करी है, एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार हिंदू, जैन और पारसियों की आबादी घटी है, मुस्लिम, ईसाई, ईसाइयों की आबादी जो है बड़ी है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये बीजेपी इसको तुष्टिकरण के साथ जोड़ रही है, जो तुष्टिकरण की नीति रही कांग्रेस पार्टी की और उसके अलायंस पार्टनर्स की, गिरिराज सिंह से लेकर कई नेताओं ने इस पर बयान दिए हैं? यह रिपोर्ट डिपेंडेबल नहीं है, क्योंकि लास्ट सेंसस कब हुआ था उसके बारे में मेरे फ्रेंड मुझे बताएं, और इसको टाइमिंग के हिसाब से इस वक्त जारी किया गया है, इलेक्शनों के बीचों बीच, जिससे हिंदू पोलराइज हो उसमें डर बैठे कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। क्यों हिंदू पोलराइज? दूसरी बात, अगर सत्य सामने आए तो हिंदू का सत्य सत्य इलेक्शन के बीच में पोलराइज नहीं तरफ क्यों होगा, आपकी तरफ क्यों नहीं होता? सत्य इलेक्शन यही टाइमिंग था। कंचना जी भी कुछ करी, विराज एक सेकंड जवाब दीजिए, राजकुमार भाटी भी करें, आ रहा हूं। आप डेट बताइए कब से कब तक का रिपोर्ट है ये ईएसईपी? ये यही तो रिपोर्ट है जी जी जी, ओके गौरव गौरव, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, पक्का आ रहा हूं, पक्का आ रहा हूं, पक्का आ रहा हूं। यही फर्क है, एक सेकंड, आप पहले उनसे बुलवा लो, बहन है अभी फिर धरने पे बैठ जाएगी, आप बात करवाओ। एक मिनट, 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है, आप डाल रहे हो कांग्रेस पर, और मेरे हाथ में यहाँ पर ना रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और कास्ट सेंसस की रिपोर्ट, और इसमें रिलीजन वाइज सेंसस भी है, सबसे कम एजुकेशन है, मुस्लिम है। 1950 से 2015 के बीच की रिपोर्ट है जी। देखिए ये फर्क है प्रवक्ताओं का, मैं यहाँ पे आया अभी ब्रेकिंग न्यूज थी, फिर भी मैंने कहा जनता बैठी है तो हमारे पास तथ्य होने चाहिए। 1950 से 2015 तक की ये रिपोर्ट है, और अभी रिपोर्ट किसी ने नहीं पढ़ी है, लेकिन डिस्क्रेडिट कर दिया, रिपोर्ट ही बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि इनको तुष्टिकरण की राजनीति करनी है। आप मुझे ये बताइए राहुल, अब आपके बारे में चुप रहे,
आपको समझ रहा होगा एक बड़ी बात मैं आपको बता, 50 की रिपोर्ट देंगे। नहीं 1950 से 2015 तक की जी, 24 चल रहा है जी 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 24 चल रहा है। अच्छा अभी जी आप मुझे बताइए, राहुल गांधी ने हर सभा में ये कहा कि हम एक्सरे कराएंगे भारत का, कहा कि नहीं कहा जी? अभी ये एक पहला एक्सरे आया है, उसका रिजल्ट आया तो कहने लगे रिपोर्ट बेकार है। ये क्यों करते हैं ऐसा? ये नहीं चाहते कि रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति का एक्सरे हो, ये नहीं चाहते भारत का एक्सरे और पता चले कितने रोहिंग्या है, ये नहीं चाहते कि हमारा हक कौन मार रहा है ये पता चले। लेकिन एक्सरे तो होते रहेंगे क्योंकि बीमारी जो है ठीक तभी की जा सकती है जब एक्सरे करा जाए और उसके बाद इलाज किया जाए, वही इलाज। लेकिन देखिए ये आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अंदर कई चीजें बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने आई हैं। क्या आपको लगता है जैसा आपके सहयोगी विवेक जी ने बोला इससे पोलराइजेशन होगा, यानी आपको क्यों लग रहा है कि ये रिपोर्ट जब सामने आएगी तो गौरव भाटिया की पार्टी को फायदा होगा? फायदा आपको क्यों नहीं हो सकता? ये रिपोर्ट क्योंकि क्यों नहीं हो लगता? ये रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है। अच्छा, ये रिपोर्ट बीजेपी की आईटी सेल में तैयार की गई है, इसमें कोई सरकार या आंकड़े नहीं है। ये रिपोर्ट 1950 से 2015 तक के आंकड़े बताती है, ना तो 1950 में कोई जनगणना हुई ना 2015 में कोई जनगणना हुई। जनगणना होती है 31, 41, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 और 21 में इनकी सरकार ने कराई नहीं। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ, असली जो जनसंख्या वृद्धि दर जो होती है जी, वो फर्टिलिटी रेट से पता चलती है। महिलाओं का फर्टिलिटी रेट क्या है, हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट इन सालों में, इस पीरियड में 1.36 कम हुआ है, यानी जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है। ये सरकारी आंकड़े जो मैं बता रहा हूं। और मुस्लिम्स का फर्टिलिटी रेट 2.05 कम हुआ है, यानी हिंदुओं से ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर मुस्लिमों की गिरी है। मैं मानता हूं कि मुस्लिमों की वृद्धि दर कुछ ज्यादा थी हिंदुओं से, लेकिन जो गिरावट है कितनी ज्यादा, गिरावट जो है कितनी ज्यादा थी, मैं सारे अगर आप सारे बताते आंकड़े दीजिए। दूसरी बात जी जी जी, 1951 की जनगणना में भारत में 80.56 हिंदू थे, 80.56%, और 2011 की जनगणना में 79.43% कम हुए हिंदू हैं। हिंदू कम हुए ना, इतना 80% से 79% हुए तो कम हुए ना। मैं सर यही बता रहा हूं, और मुस्लिम लगभग, मुस्लिम लगभग 1.07% कम हुए हैं। उस कम होने का कारण भी सुन लो, उस कम होने का थोड़ा सा तो जनसंख्या वृद्धि दर में फर्क है थोड़ा सा, लेकिन कई हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया है जी, इसलिए क्या बोल रहे हैं, कई हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया है। मतलब मुझे लगता है कि अभी तक तो सिर्फ रिपोर्ट थी कि हिंदू कम क्यों हो रहे हैं, और दूसरे मैं बोलता हूं कि बाकी दूसरा वर्ग ज्यादा क्यों हो रहा है। अभी राजकुमार भाटी जी की जुबानी अगर हम इनकी बात माने तो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हुआ है, यानी हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये खुद मान रहे हैं, ये खुद ही मान रहे हैं ना भाई। सच बहुत खतरनाक होता है, देश में आग लगा सकता है। मैं ऐसे लोगों को व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ जो पहले खुद को हिंदू लिखवाते थे, अब नहीं लिखवाते, दलित जातियों के, आदिवासी जातियों के, वो नहीं लिखवाते, इसलिए संख्या ये सत्य नहीं है। ये सच्चाई थी क्या बाबा? लगातार इंडिया लाइन बोला, पहले विवेक जी बोले, फिर राजकुमार भाटी बोले, अब आप पहले आप बोल रही थी, अब गौरव का अधिकार है बोलना। ना ना, आपने बोला रिपोर्ट फर्जी है, सवाल जिसके हैं वो हाथ खड़ा करे अपना, जो उसको सवाल पूछने जी। ओके, क्या सवाल आपका? सर ये हिंदुओं को बांटने का काम आप बंद कर दो, ठीक है? ये बांट के जितनी राजनीति कर ली, सुनिए आप, अब आप सुनिए, धर्म से उचित जाति नहीं होती, जातियों में बांटने का काम बंद करिए। आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि मुस्लिम में कितनी जातियां होती है, हमेशा हिंदुओं को बांटने का काम करते हो, ब्राह्मण शूद्र में लड़ाने का काम करते हो, वो जब देखो तो बोलते थे ब्राह्मण ब्राह्मण कराता है। जब आजादी हुई तो हमें पता है भारत को आजादी मिली, और उस वक्त हिंदुओं की जनसंख्या करीब 90% थी, और 10% के आसपास जो है मुसलमान थे, 9.5%। ये बढ़ के 14-14.5% हुए। इसका मतलब पिछले वर्षों में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी, और कारण मैंने बताए। और उसके बाद भी अगर हम बात करेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल की, नौकरी मिलनी चाहिए, सचर कमिटी की रिपोर्ट अभी मेरे भाई ने कहा 8 साल पड़ी रही, ये भी यूपीए का हिस्सा थी, ये भी यूपीए का हिस्सा थे, क्यों नहीं लागू करी सचर कमिटी की रिपोर्ट? राजकुमार भाटी की दूसरी बात, एक मिनट, और एक बहुत बड़ी बात मेरे भाई ने जो कही कि आरक्षण सबको क्यों ना मिले, तो ये मोदी जी ने करके दिखाया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को,
10% आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं, अगर वो गरीब है संविधान का संशोधन किया, ये बात मैं बताना चाहता था। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम, ठीक है, इनकी रिपोर्ट आई है और अभी रिपोर्ट इन्होंने पढ़ी नहीं है लेकिन कह रही है रिपोर्ट बेकार है और ये बीजेपी का डिपार्टमेंट तो है नहीं। इसमें एक और तथ्य चौंकाने वाला है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें रिपोर्ट में ये लिखा है 17 ऐसे देश हैं जहां पे मुसलमान नए बहुसंख्यक बन गए, पहले करीब 50 से 55 थे, 17 और सुनिए वर्ल्ड वाइड देशों की वर्ल्ड वाइड, ये केवल ध्रुवीकरण के लिए, अरे भैया कुछ नहीं है, पहले तो सुनिए अमित जी, क्या समिति को क्या अधिकार है 17 देशों के साथ? मैं बता रहा हूं आपको क्या अधिकार है, ये अधिकार है हमें कि हम किसी को भी यहाँ की जनसंख्या को इसलिए नहीं बदलने देंगे कि आप कहें गजवा हिंद होगा, लव जिहाद होगा, जिहाद होगा, और जिहाद को ये कहते संघर्ष है, इसलिए कि ये पंथ निरपेक्ष देश है। समिति 17 देशों में क्यों जाएगी? अरे आपको प्रधानमंत्री, मुझे मुझे आई थिंक प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है, शायद उसको उसको डिटेल में पढ़ना चाहिए। जी 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 1924 के लोकसभा चुनाव में खड़े हैं इस वादे के साथ कि दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पे ले जाएंगे, और थोड़ा सा इधर उधर जनसंख्या बनता है, अगर थोड़ा शब्द मुस्लिम या कोई आ जाए तो ये जितनी पार्टियां इंडिया घटक की लगता है उनके पूंछ पर पांव रख दिया गया। आप क्यों नहीं सबका साथ सबका विकास में इंटरेस्टेड है, क्यों बार बार ये कह रहे कि संविधान लोकतंत्र आरक्षण पर आप ले आए चुनाव को? चुनाव तो संविधान के दायरे में चल रहा था, चुनाव तो विकास दर पे चल रहा था, महंगाई को कंट्रोल करने पे चल रहा था, रोजगार देने के आंकड़ों को बताया जा रहा था। आप इंडिया ब्लॉक की तमाम पार्टियां लेकर के आए तुष्टीकरण से लेकर के आरक्षण तक, झूठा झूठा वीडियो बना के। लेकिन एक बात फैक्ट है, क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा और सोशल मीडिया पे मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि ये कब से शुरू हुआ, और मैं पीछे कॉलेज में गया था बात करने के लिए, तो वहां भी पूछा गया कि ये इलेक्शन के अंदर ये तुष्टीकरण और ये ध्रुवीकरण का खेल कब से शुरू हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि इस चुनाव के अंदर कांग्रेस का मैनिफेस्टो जब आया जिसके अंदर लगा था कि हम बहुसंख्यकवाद को अब नहीं चलने देंगे, क्या है बहुसंख्यकवाद? कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए बहुसंख्यकवाद की राय क्या है, और लिखा गया कि अल्पसंख्यकों को मुसलमानों को अपना खाना पीना खाने का अधिकार है, क्या आज नहीं है खाना पीना खाने का अधिकार? पॉइंट यह है कि आप तुष्टीकरण करना चाहते हैं, कांग्रेस इस देश में तुष्टीकरण करती आई है, इसमें कोई दोराय नहीं है। शाहबानो उसका लाइव एग्जाम्पल है, शाहबानो का केस उसका लाइव एग्जाम्पल है, और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला, इसका जवाब राजकुमारी भाटी दीजिएगा, कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो एक सुपर पावर कमीशन बनाकर आप राम मंदिर का फैसला पलट देंगे। आचार्य जी की बात का जवाब, जब आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस से निकाला गया तो उन्होंने खुद मीडिया के सामने ये कहा कि कांग्रेस में हमारे जैसे लोगों की कोई इज्जत नहीं है, मैं 2.5 साल से समय मांग रहा था राहुल गांधी से मिलने का, मुझे समय नहीं दिया गया, और अब वो कह रहे हैं राहुल गांधी ने मेरे साथ कमरे में बैठ के गोपनीय मीटिंग की थी जिसमें कहा था हम मस्जिद का मंदिर का निर्णय पलट देंगे। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? एक आचार्य जैसी पदवी प्राप्त व्यक्ति जिसे धर्मगुरु माना जाता है, अगर एक पार्टी के लिए इस तरह खेल रहे हैं, इस तरह का झूठ परोस रहे हैं, अब या तो उनकी पहली बात झूठ है या ये बात झूठ है, झूठ तो वो बोल ही रहे हैं। ये बात एक मैं ये अच्छा, एक, 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 एक सवाल मेरा सवाल, क्योंकि आप बहुत लर्नेड है, मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किसने भाषण दिया था और कहा था कि हम मस्जिद तामील कराएंगे, और भारत की संसद में कौन सा प्रधानमंत्री था, किस पार्टी का, जिसने बोला था मैं मस्जिद तामील कराऊंगा वहां पर, बताइए। और उसके बाद तो मैं राहुल गांधी के विषय पर आता हूं, एक जब बताइए, नहीं कुछ नहीं, जब अयोध्या विवाद चल रहा था मेरी पार्टी का भी और अन्य पार्टियों का भी, सबका एक स्पष्ट मत था, और चंद्रशेखर जी की सरकार ने बहुत प्रयास किया, मीटिंगें कराई, क्या इस विवाद का? मेरा हाथ जोड़ के आपसे एक ही सवाल है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश की विधान, यही सवाल है मेरा, कि मैंने तो कुछ फैक्ट बात कर रहा हूं, मैं तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा, किस मुख्यमंत्री ने बोला था कि हम मस्जिद तामील कराएंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, और देश की संसद में किस पार्टी के प्रधानमंत्री ने? अयोध्या में जो मस्जिद गिराई गई थी वो एक अपराध था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां मंदिर बनेगा, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब, उसी का जवाब दे रहा हूं। हाँ, बताइए, अपराध का जो निराकरण करना सरकारों का काम होता है, वो अपराध था, वो न्यायिक काम नहीं था, किसने? लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कहा था मस्जिद तामील कराऊंगा, ये तो आप बताओ, आप बताइए ना, नहीं आप बताओ, आप बताइए, नहीं मैं बताता हूं व्यूअर्स, और आपको आप में किसको पता है? बहुत कम लोगों को पता होगा शायद, और मैं कहता हूं, इसलिए मैं कहता हूं पढ़ना चाहिए,
पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे ना पीवी नरसिम्हा राव ने देश की संसद में बोला था और मुलायम सिंह यादव ने यूपी की विधानसभा में बोला था। और अब जब आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस की अगर सरकार आएगी तो ये सुपर पावर कमीशन बनाकर मंदिर का फैसला पलटेंगे, ये रणनीति बनाई गई थी। अब देखिए ओके लेकिन किस कंटेक्स्ट में कहा गया था यह भी हमारा जानना जरूरी है। एक मॉब गया और एक स्ट्रक्चर को बिना कोर्ट और प्रशासन की परमिशन के तोड़ा और इंटरनेशनली हमारे देश का मुंह काला हुआ कि कानून कायदा कोर्ट को ताक पे रख के भीड़ जाती है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चर्च हो गुरुद्वारा हो, उसको तोड़ती है, तो गलत है। तो उस गलत को सही करने के लिए ये एक टेम्पररी मूव था कि अगर गलत हुआ है तो हम वापस उसकी तामीर कराएंगे, फिर कोर्ट अपना एक्शन लेगा। ठीक ओके जवाब ऐसा है, गलत है, यही विचारधाराओं की लड़ाई है। ये कहते हैं कि भव्य राम मंदिर जहां आया है और एक विवादित ढांचे को तोड़ा गया है, गलत था। हमें गर्व है कि वहां भव्य राम मंदिर बनाया है और ये तंज कसते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर भी बनाया है, तारीख भी बताया है, तुमको भी बुलाया है, तुम जा नहीं पाए, ये फर्क है। दूसरी बात, मेरे भाई ने एक मेरा था जो चीनी वाली बात पे थोड़ा आहत था उसके लिए अर्थ किया है, हम तुम्हें नहीं मानते चीनी, तुम्हारे पास से आती है राष्ट्रवाद की खुशबू भीनी भीनी, तुम भारतीय हो हमें तुम पे नहीं, बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं है आपके लिए है और आप भारतीय हैं और भारतीय होने पे हमें गर्व है, चाहे कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा को कुछ भी लगे, हमें वो अफ्रीकन देखे चाइनीज देखे या कुछ और देखे, लेकिन हमें तो भारतीयता की भारतीयता की बू आती है। यहाँ पर मेरे जितने भाई खड़े हैं, जितनी बहनें खड़ी हैं, यहाँ पर मेरे जितने युवा मित्र खड़े हैं, ये सब भारतीय हैं। कांग्रेस के नेता को कोई अधिकार नहीं था इनको ये बोलने का, कोई अफ्रीकन है कोई चाइनीज है कोई कुछ है, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे खराब टिप्पणी नहीं हो सकती। लेकिन ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसलिए आपका वोट डालना बड़ा जरूरी है, तो वोट जरूर डालिएगा। आपको मेरी नमस्कार, शुभ रात्रि।